सब कुछ बदल गया। उसने कहा के गया है कि ये फांसी अनंत काल के लिए टल गई। बहुत हो गया कानून से खिलवाड़, बहुत हो चुकी कानून की दफाओं से आंख मिचौली, खून के आंसू बहुत रो चुकी निर्भया की मां। अब निर्भया के गुनहगारों का वक्त खत्म हो चुका, उनकी दलीलों का वक्त खत्म हो चुका, उनकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उनकी फांसी की तारीख मुकर्रर हो गई है। निर्भया गैंगरेप केस के सभी दोषियों को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। निर्भया के गुनहगारों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट में 1 घंटे तक चली सुनवाई के बाद नया डेथ वारंट जारी हुआ। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही तिहाड़ जेल की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी गई। निर्भया के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 3 मार्च को डेट फिक्स की गई है एग्जीक्यूशन की, मैं पूरी उम्मीद कर सकती हूँ कि ये जो एग्जीक्यूशन की डेट 3 मार्च फिक्स हुई है, ये इन चारों कन्विक्टेड के फांसी के हैंग करने की ये लास्ट डेट होनी चाहिए, क्योंकि 7 दिन का टाइम जो हाईकोर्ट ने दिया था वो टाइम पहले ही इनका लैप्स कर चुका था। इसलिए ये जो डेट है ये फाइनल डेट होनी चाहिए और इनको 3 मार्च को हैंग कर दिया जाना चाहिए। अदालत का नया डेथ वारंट तामील हो गया तो निर्भया के सभी गुनहगारों पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को 3 मार्च की सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल के भीतर फांसी पर लटका दिया जाएगा। बड़ा सवाल इन तमाम चीजों के बीच में ये है कि जो दोषी निर्भया केस में लगातार इस मामले को सालों से लटकाते आ रहे हैं, क्या वो इन 14 दिनों के बाद कोशिश नहीं करेंगे कि 3 मार्च के बाद भी ये मामला और लंबा खींचे? लेकिन अब ऐसे में निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक को ये सुनिश्चित करना होगा कि अब ये मामला और लंबा ना खींचे। इसके साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ये तय करना होगा कि इस मामले में ज्यादा देरी ना हो। 7 साल से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही निर्भया की मां आशा देवी को एक बार फिर आस जगी है कि इस बार इंसाफ होकर रहेगा। मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि किसी को एक बार दो बार मौका दिया जाता है, इनको तो बार बार मौका दिया गया है। फांसी का डेट वारंट जारी होने के बाद 2 बार पोस्टपोन किया गया है, तो हर चीज की एक लिमिट होती है, हमारी अदालतों का भी एक लिमिट है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको 3 मार्च को फांसी हो। निर्भया गैंगरेप केस में इससे पहले भी दोषियों के खिलाफ 2 बार डेथ वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन दोषियों की याचिकाएं लंबित होने की वजह से इन वारंट पर अमल नहीं हो पाया। तो क्या ये तीसरा और फाइनल डेथ वारंट है या इसमें भी कानूनी पेच फंस सकता है? गुनहगारों के वकील फांसी की तारीख आगे बढ़ाने के लिए अभी कई रास्ते तलाश कर रहे हैं। निर्भया कांड के 4 दोषियों में से 3 के सभी कानूनी उपाय खत्म हो चुके हैं, लेकिन पवन गुप्ता नाम के दरिंदे के पास अभी भी कानूनी विकल्प मौजूद हैं। पवन गुप्ता के वकील रवि काजी ने कोर्ट को बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन और राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल करना चाहता है। हालांकि सरकारी वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने इसके लिए जो मियाद दी थी वो भी 11 फरवरी को पूरी हो चुकी है। दोषी पवन के वकील ने अदालत को बताया कि पवन के पास वकील न होने की वजह से वो 7 दिन के भीतर अपनी क्यूरेटिव पिटीशन दायर नहीं कर पाया। इससे पहले की सुनवाई में तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में कहा था कि पवन गुप्ता किसी वकील की सेवा नहीं चाहता। गुनहगारों के वकील पवन के बहाने मुजरिमों की फांसी की तारीख आगे बढ़वाने की जुगाड़ में लगे हैं। कोर्ट ने जो फैसला किया है हम उसके आगे, ये जो हमारी लीगल एमडी है हम उन पर आगे अवेल करेंगे और आगे उसमें प्रोसीड करेंगे। जस्टिस दिखना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। केवल दीवारों पर लिख देने से, अखबारों में, समाचार पत्रों में, रेडियो में लिख देने से एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए गलत है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की निर्भया के साथ बस में 6 दरिंदों ने वहशियाना हरकत की थी। गैंगरेप के बाद बेहद बर्बरता से उसकी हत्या कर दी थी। एक बलात्कारी नाबालिग था जो 3 साल बाद ही छूट गया। एक दरिंदे ने जेल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बचे ये 4, अक्षय, पवन, मुकेश और विनय, इन्हें फांसी की सजा तो न जाने कब की सुना दी गई, लेकिन फांसी की तारीख तय करने के लिए तारीख पर तारीख मिल रही है। तो क्या 3 मार्च इन दरिंदों की फांसी की आखिरी तारीख होगी? पूनम शर्मा के साथ संजय शर्मा,
दिल्ली आज तक।